हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अर्पण यार्डी और आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर्स, कोई भी एक नंबर है जो कंपोजिट नंबर है, उसको हम इस तरह से लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन वे में कि जिसके जो सारे फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर्स हों। हो सकता है अभी भी आप थोड़े कन्फ्यूज हों, तो चलिए सबसे पहले एक लेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लेते हैं 30। तो 30 कौन से टेबल में आता है? एक तो हो गया 130 सा और दूसरा 215 सा। तो यहां पर 2 क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर यानी कि वो और कोई टेबल में नहीं आता। उसके अलावा 215 सा, 15 जो है वो क्या है? प्राइम या कंपोजिट? यस, 15 इज अ कंपोजिट नंबर, यानी कि 15 जो है वो और कोई टेबल में आता है। कौन से टेबल में? वेरी गुड, 3 5 15। तो 3 5 15। तो अगर हम मार्क करेंगे, अगर हम नोट ध्यान देंगे, तो यहां पर देखिए 2 5 एंड 3, ये तीनों नंबर जो हम देख सकते हैं वो क्या है? प्राइम नंबर है। यानी कि 2 × 5 × 3 वो क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, प्राइम। ठीक है, कोई बोलेगा नहीं 2 15 सा नहीं, मैं 3 10 सा लूंगा। ठीक है, वो भी करके देखते हैं, 3 10 30। उसके बाद 3 तो प्राइम नंबर है, लेकिन जो 10 है वो 10 जो है वो भी कंपोजिट नंबर है, यानी कि वो और कोई टेबल में आता है। कौन से टेबल में? यस, 2 5 10। यानी कि अगर हम उसको फिर से लिखने की कोशिश करेंगे तो भी हमें वही आंसर मिलेगा, 3 × 2 × 5, यानी कि 3 × 6 6 5 30। तो आप कैसे भी आपको हम आगे पीछे करेंगे, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मैथ के अंदर, इतना है बस। और आगे प्राइम फैक्टराइजेशन की दो मेथड हैं, वो मैं आपको आने वाले टाइम में बताने